हमने नए एयरक्राफ्ट इंडक्ट किए हैं, न्यू एयरबस 321, जो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट बेसिकली एयरबस के एयरक्राफ्ट्स हैं। और पाकिस्तान में वी आर दी फर्स्ट एयरलाइन टू इंडक्ट दीज टू एयरक्राफ्ट्स। एक तो इन एयरक्राफ्ट की ये है कि जी खसूसियत की ये फ्यूल एफिशिएंट भी हैं और लेटेस्ट ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट्स हैं, और इस पे कैपेसिटी भी, सीट कैपेसिटी ज़्यादा है। हम 235 इकोनॉमी क्लास की जो सीट्स हैं उसके साथ हम ऑपरेट करेंगे। ऑलरेडी एक एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लीट में शामिल हो गया हुआ है, और आज ही दूसरा भी बेसिकली शामिल हो गया फ्लीट में। तो वी आर ऑपरेटिंग विद दीज टू न्यू एयरक्राफ्ट्स, और इससे यही है कि हमारा जो बेसिकली यूएई का शेड्यूल जो थोड़ा सा रिड्यूस था, उसको अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरा रेगुलर शेड्यूल पे वापस आएंगे। और केएसए की जो फ्लाइट्स इंशाल्लाह स्टार्ट होंगी, तो वील फोकस मेनली ऑन केएसए एंड यूएई। डोमेस्टिक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टेबल हुआ है ऑपरेशन, उस पर भी हमारी काफ़ी अच्छी इस वक्त मार्केट में पोजीशन है। हम मतलब डेली हम कराची जो फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं लाहौर से, वो डेली दो फ्लाइट्स हैं। कराची से इस्लामाबाद हम डेली तीन फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं। उसके अलावा हमने पिशावर कराची से रखी हुई हैं फ़्लाइट्स, कोयटा की फ़्लाइट्स हमने रखी हुई हैं। तो वी आर वर्किंग ऑन न्यू सेक्टर्स ऑल्सो। कराची से हमने अभी जिस तरह से शारजा की फ़्लाइट्स ऑपरेट की है, स्टार्ट की है। कराची से हम शारजा ऑपरेट नहीं कर रहे थे, लेकिन ये कराची से शारजा भी हमने रिसेंटली ऑपरेट की है, एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग के कराची से दुबई भी हम स्टार्ट करें। तो ऑल जो है ये हमारे प्लान्स हैं फ्यूचर के इंशाल्लाह विद दिस दीज टू न्यू एयरक्राफ्ट्स। तो होपफुली इंशाल्लाह विल कम अप विद मोर फ्रीक्वेंसी। खासतौर ठीक हो गया। तो सर अपने पे जिस तरह की कोविड की वजह से बेसिकली जो सिचुएशन रही है, ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस यूएई से भी थी और केएसए की तरफ से भी रिस्ट्रिक्शंस लगी, तो हमारे तो बेसिकली जो मेजर डेस्टिनेशंस थे वो यही केएसए और यूएई थे बेसिकली। तो उसमें जो प्रॉब्लम वो यही थी कि यूएई की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शंस लगी, और कुछ एनसीओसी की तरफ से भी रिस्ट्रिक्शंस थी, जो सीट रिस्ट्रिक्शन थी, फ़्लाइट्स की जो फ्रीक्वेंसी कम हुई, और केएसए से जिस तरह से प्रॉब्लम रही। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हुई हैं। यूएई में अगर आप देखें, हालात काफ़ी बेहतर हुए हैं, स्पेशली जो एक्सपो की वजह से काफ़ी ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई। जो न्यू न्यू वीज़ाज़ थे वो अच्छे मतलब इशू हुए, तो ट्रैवलिंग वहाँ थोड़ा सा स्टार्ट हो गई थी। दूसरा जो इम्पैक्ट था, रिसेंटली आपने देखा जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसकी वजह से काफ़ी लोग वहाँ पे ट्रैवल किए। फिर उसके साथ साथ जो लेटेस्ट डेवलपमेंट केएसए की तरफ से हुई थी, डायरेक्टली चूँकि ट्रैवलिंग पाकिस्तान से केएसए की नहीं है, तो उन्होंने जो वाया ट्रैवलिंग अलाउ की हुई थी एक सेफर कंट्रीज़ की तरफ से, कि आप 14 डेज़ क्वारंटीन करें जिनकी वैक्सीनेशन सऊदीया से नहीं हुई हुई है, तो वो वाया बेसिकली ट्रैवल कर रहे थे। तो इनिशियली आपने देखा कि ये जितनी भी ट्रैवलिंग थी ये बहुत ज़्यादा रिनाउंड उनसे नहीं हो रही थी, कंट्री से। अफगानिस्तान से काफ़ी ट्रैवलिंग हुई, नाइजीरिया से ट्रैवलिंग हुई, तो वहाँ अगर आप देखें तो चार्टर्ड फ्लाइट्स काफ़ी चली और उस पर काफ़ी महंगी टिकट्स बिकी। तो हमने तो इवन चार्टर्ड फ्लाइट्स भी ऑपरेट वहाँ से नहीं की। तो हमारा तो चूंकि यूएई एक ऑपरेटिंग सेक्टर है, तो इस पे जब अलाउ हुआ यूएई से भी कि ऐसे ट्रैवलिंग, तो लोगों ने यहाँ से भी ट्रैवल करना शुरू किया। एक तो रिस्ट्रिक्शन थी नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स की भी, फिर सीट्स की रिस्ट्रिक्शन भी थी, तो उसकी वजह से जो हमारे पास कैपेसिटी थी वो काफ़ी रिड्यूस हो गई थी, और डिमांड जो थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। इसीलिए आप देखें तो जितनी भी एयरलाइंस ऑपरेट कर रही हैं उनके फेयर्स बहुत ज़्यादा हाई थे। हमारे फेयर्स तो मतलब आप देखें तो 1 लाख तक की टिकट बिकी है, 1,15,000-20,000 की बिकी है, लेकिन आप अगर ऑन दी अदर हैंड और करियर्स को देखें तो वो 1,30,000-40,000 तक की टिकट्स भी उनकी बिकी हैं। तो डिमांड थी बहुत ज़्यादा, लोग पे करने को तैयार भी थे, क्योंकि ये सारे वही गेस्ट थे जो ऑलरेडी आए हुए थे सऊदीया से, उनकी जॉब्स के प्रॉब्लम्स थे, तो वो डेस्परेट थे वापस जाने के लिए, और कैपेसिटी चूँकि कंस्ट्रेंट थी इसलिए फेयर्स काफ़ी ज़्यादा हाई थे। तो अब ये कि वो जो प्रॉब्लम है बेसिकली काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट इस तरह से होगी कि काफ़ी लोग ट्रैवल कर गए हैं सऊदीया, तो अब आप देखेंगे कि फेयर्स कुछ रिड्यूस होना शुरू हो गए। 2-2 वीक्स तक एडवांस सेलिंग हो गई हुई थी, उस पर सीट्स नहीं मिलती थी, लेकिन अब ये कि आपको सीट्स मिलना शुरू हो गई हैं। तो लोग इतना डेस्परेट थे कि इवन आप देखें न्यू डेस्टिनेशंस भी आपको मिली पाकिस्तान से,
रासो खैमा कभी ऑपरेट नहीं हुआ था, वहाँ भी लोगों ने ऑपरेट किया, क्योंकि जहाँ भी अपॉर्चुनिटी थी एयरलाइंस ने ऑपरेट किया, और उसकी मेन रीज़न यही थी कि लोगों को किसी तरह से फैसिलिटेट किया जाए। लोग फैसिलिटेट हुए, लोग ट्रैवल किए, और जिनकी भी प्रॉब्लम्स थी वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुँच के उनकी सॉर्ट आउट हुई, उनकी जॉब्स के जो प्रॉब्लम्स थे वो भी सारी हद तक सॉर्ट आउट हो गए। तो अब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, और वी आर होपिंग कि केएसए का जो ऑपरेशन है वो नॉर्मल हो। अभी इसके ऊपर कोई अथेंटिक अपडेट नहीं है कि कब से वो अलाउ करते हैं डायरेक्ट फ्लाइंग को, लेकिन वी आर होपिंग कि इंशाल्लाह दिसंबर तक ये स्टार्ट हो जाएंगी डायरेक्ट फ्लाइंग। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर में काफ़ी हद तक उनके लिए रिलैक्सेशन हो जाएगी फेयर्स में, और उनकी ट्रैवलिंग जो हम देख रहे हैं कि यूएई से कुछ ट्रैवलिंग रुकी हुई है इसी वजह से कि फेयर्स बहुत हाई हैं, तो आई होप कि ये इंशाल्लाह ये सॉर्ट आउट हो जाएगा।